हेलो दोस्तों, हमारा चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। इसके सारे कंटेंट इंटरनेट से लिए गए हैं, इसको महज एंटरटेनमेंट पर्पस से देखें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो मिस्टीरियस आर्मी, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में एक भुतहा विलेज के बारे में। जी हाँ, विलेज ऑफ घोस्ट, एक ऐसा गांव जहाँ पर इंसान नहीं रहते, रहती हैं तो केवल आत्माएं और रूहानी ताकतें। वो विलेज कोई और नहीं, कुलधारा है। वैसे तो राजस्थान में कई किले महल हैं जो अपने आप में कई राज छुपाए बैठे हैं, जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव रूहानी ताकतों का घर माना जाता है। यह गांव शापित और रहस्यमयी गांव है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। 13वीं शताब्दी में यह गांव बेहद खूबसूरत था, चारों ओर फैली थी खूबसूरती। तो ऐसा क्या हुआ कि वो गाँव रातों रात वीरान हो गया? वहाँ पर शोर शराबे की जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके पीछे की कहानी पर नज़र डालते हैं। लोगों की माने तो कुलधारा गांव के राज्य का मंत्री था सलीम सिंह। वो बहुत ही क्रूर था और बुरा था। वो लोगों से काफ़ी सख्ती से पेश आता था। एक दिन उसकी बुरी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ गई। उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया। वह उसको अपना बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दूत को उस लड़की के पिता के पास भेज दिया, यह कहते हुए कि बोल देना 10 दिन है उनके पास, वो लड़की को उनके पास भेज दें, वरना 11वें दिन वो गांव पर आक्रमण करके उस लड़की को उठा ले जाएगा। यह सारी बातें उसके पिता ने गांव के मुखिया को बताई। तब सारे गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं करेंगे। 9वीं रात को सारे पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गाँव को त्याग दिया। रातों रात वह सब गाँव छोड़कर चले गए और जाते जाते श्राप दिया कि यह गांव अब कभी भी आबाद नहीं होगा। आज भी कुलधारा वीरान पड़ा है। यह गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। सैकड़ों पर्यटक आते हैं, देखते हैं, लेकिन अकेले नहीं लौटते, कुछ कहानियाँ भी उनके साथ लौटती हैं। एक ऐसी ही कहानी या घटना घटित हुई थी उस पैरानॉर्मल टीम के साथ जो यहाँ की स्थिति का जायजा लेने आई थी। उनके उपकरणों में अजीब सी आवाज़ें और तरंगे रिकॉर्ड हुई थी। उनके कार के विंडशील्ड पर हाथ के पंजों के निशान भी मिले थे। उनके कैमरे में कुछ अजीब सी दिखने वाली आकृतियां भी रिकॉर्ड हुई थी। इन सब चीज़ों का बस एक ही संकेत है कि वहां पर रूहानी ताकतों का साया है। तो ये थी कहानी कुलधारा गाँव की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक रहस्यमयी कहानी के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।